अफगानिस्तान की तरफ से भारत को एक बड़ा ऑफर दिया गया है। इस ऑफर से भारत के लिए सेंट्रल एशिया का रास्ता खुलना बेहद इजी हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान जैसे देशों तक चाइना काफी बड़ा रेल नेटवर्क खड़ा कर चुका है। इसी वजह से चाइना की कंपैरिजन में भारत लिमिटेड एक्सपोर्ट ही कर पाता है। अफगानिस्तान को एग्रीकल्चर मशीनरी और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की ज्यादा जरूरत है, जिसके लिए भारत एक काफी बड़ा मैन्युफैक्चरर माना जाता है। अफगानिस्तान भारत को पैसे देकर मशीनरी नहीं खरीद सकता। अफगानिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व काफी नीचे आ चुका है। इसी वजह से अफगानिस्तान भारत के साथ एक बार्टर सिस्टम खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान में हाई कैलोरीफिक वाले कोयले के अलावा रेयर मेटल और कॉपर का बड़ा भंडार मौजूद है। ये भंडार भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 बिलियन का बिजनेस खड़ा कर सकता है। अफगानिस्तान ने भारत के आगे ऑफर रखा है, भारत इस कोयले रेयर मेटल का खनन करे और बदले में भारत की सरकार अफगानिस्तान को कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और एग्रीकल्चरल मशीनें सप्लाई करे। ट्रैक्टर्स प्रोडक्शंस के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। वहीं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जैसे कि एक्सकेवेटर्स, रोलर्स, लोडर्स और क्रेन जैसी मशीनरी की मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में बड़े लेवल पर की जाती है। अफगानिस्तान इन इक्विपमेंट्स के बदले भारत को सेंट्रल एशिया तक जाने के लिए ट्रांजिट रोड देने के लिए भी तैयार है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तालिबान अफगानिस्तान में एक रेल नेटवर्क बिछाना चाहता है और इसके लिए भारत के अलावा चाइना की ओर ध्यान दिया जा रहा है। भारत और अफगान की करेंसी बराबर वैल्यू की है, इसी वजह से तालिबान भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार में से डॉलर को खत्म करना चाहता है। काफी संभावना है कि अफगानिस्तान में रेल नेटवर्क बिछाने का काम जल्द ही शुरू होगा। भारत को इस कॉन्ट्रैक्ट का बड़ा हिस्सा मिलने का मतलब है रोलिंग स्टॉक्स और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स का बड़ा एक्सपोर्ट। फ्रीड वैगन्स, लोकोमोटिव्स, पैसेंजर कोचेस और डीएमयू के अलावा जेसीबी जैसे इक्विपमेंट्स की जरूरत है। इस प्रोजेक्ट को खड़ा करने में पड़ेगी। अफगानिस्तान एक लैंड लेआउट देश है, यहाँ तक पहुँचने के लिए ईरान या पाकिस्तान के रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान और भारत के बीच एक रेल लाइन बिछा दी जाती है तो सीधे तौर पर इसका फायदा भारत को ही पहुँचेगा। बदले में पाकिस्तान भारत से ट्रांजिट फीस वसूल कर सकता है। वहीं अफगानिस्तान के माइंस का एक्सेस भारत को रेयर्स मेटल्स के मामले में आत्मनिर्भर बना सकता है। अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे वो लॉजिस्टिक बिजनेस हो, कुरियर बिजनेस हो, ऑनलाइन बिजनेस हो या कोई भी फ्रेंचाइजी का बिजनेस हो, वो सारा आप इस वेबसाइट के द्वारा जान सकते हैं। ये वेबसाइट है manishkumaruniversity.com। इसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। यहाँ पर आप बहुत सारे फ्रेंचाइजी के बारे में जान सकते हैं। आप किसी भी तरह की ऑनलाइन बिजनेस या ऑफलाइन बिजनेस के बारे में इस वेबसाइट के द्वारा जान सकते हैं और काफी इजीली पूरे डिटेल में इसमें बताया गया है कि आप किसी भी बिजनेस को किस तरीके से कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि लगभग सभी प्रकार के बिजनेस के बारे में पूरी डिटेल में बताया गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी वेबसाइट का नाम है manishkumaruniversity.com। जब इस वेबसाइट पर आप आएंगे, इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो सीधे आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। और आप जैसे कि कोई भी ईबुक पसंद करेंगे, आप क्विक चेकआउट के ऑप्शन पर क्लिक करिए। इसके बाद आप कोई भी पेमेंट का मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर जैसे ही परचेज करते हैं, ये आपको ईमेल के द्वारा मिल जाता है। आप चाहें तो उसे मोबाइल से भी ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो लैपटॉप से भी ओपन करके परचेज कर सकते हैं। आपके ईमेल पे आ जाएगा, फिर वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं।